स्टूडेंट्स आई होप आप सभी बढ़िया होंगे फार्मास्यूटिक्स यूनिट फर्स्ट का फिफ्थ लेक्चर आपका होने वाला है जिसमें हम लोग यहाँ पर टॉपिक को कवर करने वाले हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बी फार्म कोर्स बी फार्म कोर्स करने का क्या उद्देश्य आपका होता है क्या होना चाहिए अब यहाँ पर जो हम एम बात करेंगे वो दो तरीके से बात करेंगे उद्देश्य के बारे में जो हम चर्चा करेंगे वो दो तरह से होगा आपका ऑब्जेक्टिव के बारे में कि एक तो होगा जो हम सोसाइटी को देंगे एक वो होगा जो हम खुद अपने अंदर हमारा एक पर्सनल एटीट्यूड होगा पर्सनल जो हमारी एक समझ होगी जो हम एक प्रोफेशन में जा रहे हैं उसकी क्या हमारे जीवन में क्या वैल्यू होनी चाहिए और क्या हम सोसाइटी को दे रहे हैं इस फार्म कोर्स को के बाद तो चलिए चर्चा करते हैं कंप्लीट इस टॉपिक पर ये आपका यूनिट फर्स्ट का आपका फिफ्थ लेक्चर होने वाला है स्टूडेंट्स आपको मैंने फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा सिलेबस चैनल पर पढ़ाया है आप जाइए प्लेलिस्ट को चेक करिए प्लेलिस्ट में आपको बीफॉम कोर्स के सभी जितने भी आपके यूनिट हैं जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं चारों सब्जेक्ट वो आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हुआ आपके लिए एनालिसिस हुआ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हुआ और फार्मास्यूटिक्स तो आपका चल ही रहा है तो सभी के सिलेबस को मैंने कवर किया है तो आप जाइए प्लेलिस्ट को चेक करिए और सभी को एकदम अच्छे से निपटाइए कम से कम टाइम में यदि आपका एग्जाम कल है तब भी आप इस चैनल से पूरा का पूरा यूनिट पूरा का पूरा अपना सिलेबस एक दिन में निपटा सकते हैं इतना शॉर्ट में मैंने पढ़ाया और कुछ भी छूटा नहीं है तो चलिए देखते हैं शेयर करिए अपने सभी दोस्तों में वीडियो को लाइक करिए साथ में कमेंट में हमें आप जरूर बताइए कि क्या है आपके लिए कौन सा टॉपिक आपके लिए इंटरेस्टिंग है, कौन सा टॉपिक आपको लगता है, जरूरी है सब कुछ जो भी आपको डाउट है आप बता सकते हैं। तो एम्स बनेगा तो फार्म का करने का क्या एम है आपका फार्मेसी ग्रेजुएट्स आर रिक्वायर टू लर्न नेसेसरी स्किल्स टू प्रैक्टिस द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इंक्लूडिंग थ्रू एंड एग्जीक्यूटिव नॉलेज ऑफ सिंथेसिस एंड ऐसे आप मेडिकल एजेंट इंक्लूडिंग मोड ऑफ एक्शन

फॉर बोथ लार्ज स्केल कॉमर्शियल प्रोडक्शन एंड रिसर्च ठीक है तो प्रोडक्शन के लिए रिसर्च के लिए आपको सभी के लिए पता है पेशेंट की काउंसलिंग के लिए स्टोरेज के लिए सभी चीजों के लिए एक फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है बीफार्म किए हुए स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट होती है जो की बीफार्म कर चुका हुआ हो तो चलिए देखते हैं आगे बात करते हैं फार्मासिस्ट शुड एक्ट एज ब्रिज बिटवीन फिजिसियन एंड पेशेंट एक फार्मासिस्ट क्या होता है एक ब्रिज की तरह होता है पेशेंट और डॉक्टर के बीच में एक ब्रिज की तरह वर्क करता है जैसे कि डॉक्टर ने दवा लिखी आपके लिए आपकी बॉडी के लिए देखिए डॉक्टर को क्या पता है कि दवा का क्या एक्शन है लेकिन दवा का डोज डिसाइड करना कौन सी दवा आपके लिए बेस्ट है क्या चीजें लेकिन जो आपके बॉडी में क्या उसका एक्शन है एक मेडिसिन का क्या एक्शन आपकी बॉडी में होगा इसको पता होता है एक डॉक्टर को आपकी बॉडी का ऐसा रिस्पॉन्स कर रही है क्या आपको बीमारी है ये एक डॉक्टर बताएगा लेकिन दवा का क्या एक्शन है दवा का क्या कंपोजिशन होना चाहिए आपके लिए ये सारी चीजें इसकी सभी चीजों के लिए जो बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है वो किसके पास होती है फार्मासिस्ट के पास होती है फार्मासिस्ट कौन होता है? Farm, out, होता है है जो बी फार्म पास आउट स्टूडेंट तो चलिए देखते हैं आगे हम बात बात करते हैं इसके इसके बाद बाद की बात. तो आती है इसके बात, objective. Objective है ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव देखिए जो वो तीन तरह से अब कुछ तो आपकी पर्सनलिटी में है और कुछ क्या है आप सोसाइटी को दे रहे हैं कम्युनिटी को आप प्रोवाइड कर रहे हैं क्या है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग आपके ऑब्जेक्टिव का जो तीन पॉइंट है उसमें हम बात करेंगे सबसे पहले नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग की स्किल्स की बात करेंगे एटीट्यूड की बात करेंगे सबसे पहले जो बात आती है आपकी वो है नॉलेज के लिए ठीक है नॉलेज

करते हैं, फार्म कोर्स के अंदर में हम पढ़ाई करते हैं नॉलेज इनका लेते हैं फिर यहां पर बात आती है दूसरे पॉइंट की तरफ उसी सेम आपके हेडिंग में नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग में ही हम यहां पर पॉइंट्स को पढ़ रहे हैं तो एजुकेट नॉलेज आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ सिंथेसिस, फार्मुलेशन एनालिसिस ऑफ वेरियस फार्मास्यूटिकल एंड हर्बल मेडिसिन एजेंट इन सभी का क्या करना सिंथेसिस करना फार्मुलेशन करना और फार्मास्यूटिकल एंड हर्बल मेडिसिन एजेंट का हम लोग यहाँ पर करते हैं उनके बारे में हम कंप्लीट नॉलेज लेते हैं ठीक है चलिए तीसरे पॉइंट की तरफ हम चलते हैं और क्या है आपके नॉलेज गेन करने में एजुकेट नॉलेज ऑफ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ डिलीवरिंग ए क्वांटिटी एस्योर्ड प्रोडक्ट एज पर फार्माकोपिया किस तरह से कितना डोज देना चाहिए एक बच्चे को कितना डोज देना चाहिए एक बुजुर्ग को क्या डोज देना चाहिए बुजुर्ग क्या चाहिए? क्या क्या होता है आपका तो बुजुर्ग

बॉडी में जो ड्रग है वो क्या है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है सही से इसीलिए ज्यादा डोज की आवश्यकता होती है एक बूढ़े पेशेंट को हम जब देते हैं ओल्ड एज पेशेंट को जब हम ड्रग को देते हैं इन सभी चीजों की क्या होनी चाहिए एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हमारे पास होनी चाहिए जो कि हम पढ़ाई के दौरान इन सभी चीजों के बारे में जानते हैं और नहीं जानते हैं तो आप जानिए क्योंकि अब आप शुरुआत कर चुके हैं आपके बी फार्म के, के फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में तो अब आप आपको यहां पर जानना होगा समझना होगा एक पेशेंट को समझना होगा पेशेंट यदि आपके पास आ रहा है जैसे कि मान लीजिए आप किसी भी मेडिकल शॉप पर हैं इस टाइम पर आप चला रहे हैं अपनी मेडिकल शॉप तो ऐसा नहीं होना चाहिए पेशेंट पर्चा लेकर अपना आया प्रिस्क्रिप्शन का जो पर्चा मिलता है जो डॉक्टर ने लिखा तो आपके पास वो आया कोई दवा आपसे कह रहा है कि भैया ये दवा दीजिए तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो गया आपके चेहरे का हाव भाव उड़ गया एकदम तो इससे क्या होगा

में नहीं है आप घबरा गए तो पर पर क्या क्या होगा पेशेंट का ट्रस्ट वहीं आप, आपके ऊपर से क्या होता खत्म हो जाता है तो तो चलिए अगले की तरफ हम चलते हैं ये तो एक आ, मोटी मोटा बात है जो कि आपको अपने अंदर डेवलप करना चाहिए अपने कॉन्फिडेंस लेवल को अपने ऊपर रखना चाहिए तो

प्रिस्क्रिप्शन एंड मैनुफैक्चराइज मैन्युफैक्चर द मेडिसिनल एजेंट एट कॉमर्शियल लेवल तो क्या होना चाहिए अवेबल होने चाहिए आप क्या करने के लिए दवाओं के फार्मुलेशन के लिए स्टोर करने के लिए डिस्पेंस करने के लिए एनालाइज करने के लिए और प्रिस्क्रिप्शन के लिए जो भी आपके प्रिस्क्रिप्शन में है उसको आप एनालाइज कर सके जो भी प्रिस्क्रिप्शन आया है डॉक्टर देखिए जो डॉक्टर का पचा होता है जिसमें दवा लिखी हुई होती है उसी को हम बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन ठीक है वही डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है एक पेशेंट को तो वही पर्चा लेकर पेशेंट आपके पास आता है उसी को हम बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्रिप्शन के बारे में अभी हम जानेंगे विस्तृत रूप से प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है एक रिटर्न फॉर्म ऑफ ऑर्डर होता है किस तरह से क्या चीजें हैं उसके बारे में आगे हम जानेंगे तो प्रिस्क्रिप्शन अभी आप जान लीजिए कि उसी पर्चे को कि क्या होनी चाहिए आप उसको एनालाइज कर सकें कि किस तरह से कौन सी दवाएं इसमें लिखी है वो आपकी समझ में आनी चाहिए आपके हाव भाव में दिखना चाहिए कॉन्फिडेंस कि हाँ हमको ये दवाएं पता है जो डॉक्टर साहब ने लिखी हुई है तो चलिए देखते हैं आगे की क्या बात आती है

दूसरा पॉइंट आता है मेंटेन अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स इन डिस्चार्जिंग प्रोफेशनल तीसरी आपके पास आपके पास पास क्या क्या चीज होनी चाहिए एटीट्यूड होना चाहिए कंटिन्यूअसली अपग्रेड प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन देखिए धीरे धीरे क्या है कि चीजें चेंज होती हैं नई नई बीमारियां आती हैं मार्केट में उनके बारे में आपको अपग्रेड होने की आवश्यकता है जैसे हो सकता था कभी कोई दवा रही हो कि तीन दवाएं किसी एक बीमारी को ठीक करने के लिए ली जाती थी लेकिन अब क्या है कोई एक ही दवाई है और सबको रिप्लेस कर रही इन सभी चीजों के बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए आप अपडेटेड होने चाहिए ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल वही ओल्ड सिस्टम लेके बैठे हुए हैं वही जैसे कि पहले गाँव में दवाइयां बिकती थी तो क्या होता था पत्ते से दवा नहीं आती थी पहले क्या था कि उसको पुड़िया में लपेट लपेट के दिया जाता था तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अभी उसी में फंसे हुए हैं बहुत लोग फंसे हुए हैं गाँव में बहुत लोग ऐसे बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं जो कि अभी जो भी बहुत सारे मेडिकल स्टोर वाले हैं जो कि खुद को डॉक्टर भी समझते हैं तो वो क्या है वो इसी चीज़ में फंसे हुए हैं कि क्या है कि वो पुड़िया में ही लपेट के आज भी दवाएं दे रहे हैं तो वो क्या है वो पिट चुके हैं वो नहीं चल रहे वो मार

आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं जिस कॉलेज को में पाप पढ़ रहे हैं उस कॉलेज का कुछ भी आपका एके टीयू नहीं रूल करता आज जान लीजिए यदि आप बी फॉर्म के स्टूडेंट हैं भले ही आप कह रहे हैं के टी यू की तरफ से सारे रूल रेगुलेशन में फॉलो करता हूँ नहीं जो भी रूल पी सी आई बना देती है वही ए के टी यू को फॉलो करना है और जो भी ज्यादा बोलता है उसका लाइसेंस हो जाता है रद्द तो भैया यही समझिए कि पी सी आई की तरफ से ही आपको सारी गाइडलाइन दी जाती है वो आपका कोर्स हो आपका प्रोफेशन हो आपका फ्यूचर हो सब कुछ पीसीआई के हाथ में है जितने भी फार्मेसी स्टूडेंट हैं एंड एआईसीटी टू अपग्रेड नॉलेजेबल एंड प्रोफेशनल स्किल टू हेल्प द टू हेल्प एंड टू पार्टिसिपेट इन द इंप्लीमेंट एक्शन ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम तो आपको बहुत सारी चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए हेल्प करना चाहिए पार्टिसिपेट करना चाहिए और इंप्लीमेंट करना चाहिए नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स के लिए इन सभी चीजों का एटीट्यूड आपके पास होना चाहिए जिससे आप कम्युनिटी को अच्छे से प्रोवाइड कर सकें जो भी आपके पास नॉलेज है वो आप कम्युनिटी को दे सकें पेशेंट तक वो चीजें आप डिलीवर कर सकें जब आप चीजों को सीखे रहेंगे तरह तरह के प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट किए रहेंगे जो भी स्किल है आपके पास एक प्रोफेशनल स्किल होगी कैसे आपको पेशेंट को डील करना है कैसे आपको दवा की मार्केटिंग करना है यदि आप मार्केटिंग लाइन में है या मार बने हुए हैं तो आपको कैसे दवाओं को ज्यादा से ज्यादा सेल करना है कैसे अपनी कंपनी की दवाओं से किसी अन्य कंपनी की दवा मार्केट में ज्यादा चल रही तो उसको रिप्लेस कैसे करना है तो बहुत सारी चीजें होती हैं आपको कभी पेशेंट को करना होगा कभी डॉक्टर को कन्विंस करना होगा कभी कंपनी को कन्विंस करना होगा तो बहुत सारे चैलेंजेस आपके इस फेज में आएंगे जब आप अपने फार्मेसी कोर्स को कंप्लीट करेंगे जब आप जब आप आप फील्ड में उतरेंगे अर्न करने के लिए उतरेंगे नाम कमाने के लिए उतरेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके लिए आएंगी बीच बीच में बहुत सारी चीजें होंगी किसी के पास पांच करोड़ रुपए लेकर कंपनी बना के कूदा आपके पास कुछ नहीं है आपके पास क्या है सिर्फ हौसला है आपको उसी के दम पर लड़ना है तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको अभी आपको सीखने की आवश्यकता है अभी तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में है तो आप जानिए कि कोर्स करने का क्या ऑब्जेक्टिव और एम है इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं नेक्स्ट वीडियो